नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम जानेंगे सफलता के पांच सूत्रों के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे वे पांच फॉर्मूले जो हर व्यक्ति यानी हर सफल व्यक्ति फॉलो करता है और कामयाब और सफल बनता है, जो सफलता के लिए अति आवश्यक भी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में सबसे पहला जो सूत्र है या रूल है या गोल्डन रूल है वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आप प्रतिदिन दोहराइए, मैं जो हूँ उससे अधिक बनूंगा, मैं पूरे दिन उपलब्धि अर्जित करूंगा क्योंकि मैं जानता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कठिनाइयों में भी दृढ़ निश्चय बनकर रहूंगा और साहस नहीं छोड़ूंगा, मैं केवल सत्य और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करूंगा, मेरे शब्दों में सदा उत्साह ही प्रकट होगा, मैं सदा परोपकार की भावना से कार्य करूंगा। दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ अपने समान गुणधर्म वाली वस्तुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप सफल, सुखी, समृद्ध होना चाहते हैं तो सुख और समृद्धिपूर्ण विचारों को आपके मन में स्थान देना होगा। नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलिए, अपनी सोच को सकारात्मक आपको बनाना ही होगा अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो। सकारात्मक सोच के सारे लोगों ने बड़ी बड़े पहाड़ हिला दिए हैं। यदि आप आज तक सफल नहीं हुए तो इसके लिए आपको किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके पीछे आपकी सोच ही जिम्मेदार है। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, इसी में आपकी सफलता निहित है। दोस्तों, सेकंड नंबर जो सूत्र है सफलता का वो है अपने आप को जानिए। इस बात को स्वीकार करिए कि इस पूरे संसार में ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड में भी आप जैसा कोई नहीं है। इसलिए आप अपनी पृष्ठभूमि, रुचियों और गुणों को पहचानिए और उनकी कदर करना शुरू कीजिए। अपने आप को किसी से छोटा मत समझिए और किसी से बड़ा भी नहीं समझना चाहिए, कि बड़ा समझने भी अहंकार की अनुभूति हो जाती है। दोस्तों, जो भी कार्य आपको पसंद हो उसे करने में प्रयत्न के साथ में, डेडिकेशन के साथ में जुट जाइए। ईश्वर सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरी करने से पहले वह उचित पात्र को परखता है। यदि आपको कोई वस्तु नहीं मिल पा रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपके साथ भेदभाव किया, बल्कि सच्चाई यह है कि अभी तक आपने अपने आप को उसके लायक नहीं समझा है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, सीखिए, अपने काम की जानकारी लीजिए और कामयाबी के लायक बनिए। तो दोस्तों, सेकंड नंबर जो है बात इंपॉर्टेंट वह है कि अपने आप को जानिए, आपकी क्या काबिलियत है, आप कहां तक उड़ सकते हैं और अपने आप को सुधार कीजिए, अपने आप को अंदर इंप्रूवमेंट कीजिए, इसी में आपकी बड़ी सफलता निहित है। दोस्तों, आप सीखने और अपनी खूबियों को बढ़ाने के लिए सीखेगा इंडिया का वीडियो प्रिंटरशिप कोर्स कर सकते हैं। वहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कोर्स को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बहुत सारे तरीके बताए गए जिससे कि आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जरूर एक बार इस कोर्स को विजिट कीजिए, ट्रायल देखिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, थर्ड नंबर जो सूत्र है सफलता के लिए वह है अपने उद्देश्य को पहचानिए, यानी आपका जो उद्देश्य, आप क्यों भाग रहे हैं उसको पहचानिए। मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए। उस उद्देश्य तक पहुंचने में भले ही कितनी भी देर लग जाए कोई परवाह नहीं, किंतु उसे आपको छोड़ना नहीं है हमेशा। यदि आप अपने उद्देश्य के लिए जी तोड़ परिश्रम करेंगे तो आप अपने उद्देश्य तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। प्राय कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प करता है, परंतु संकल्प को कार्य रूप में परिणित वही करता है जिसकी सोच सकारात्मक होती है, चरित्र अच्छा होता है और वो दृढ़ निश्चय, निष्ठावान और आत्मविश्वासी होता है। जल्दी जल्दी और बार बार काम बदलने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने उद्देश्य को पहचानिए और कर्मठता के साथ उसमें पहुंचने में लग जाइए तो आपको बड़ी सफलता 100% मिलने वाली है। दोस्तों, फोर्थ नंबर यानी चौथा नंबर जो लर्निंग है सफलता के लिए वह है लक्ष्य निर्धारित कीजिए। देखा जाए तो ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड ही है उद्देश्य से, लेकिन इसमें आपको हम कुछ और जानकारी देंगे जिससे कि आप समझ पाए कि कैसे आपको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों, जिन्हें केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है वे अवश्य ही सफल होते हैं। आपने अर्जुन के द्वारा मछली की आंख में निशाना लगाने वाली बात तो सुनी होगी। बिना लक्ष्य के कामयाबी नहीं मिलती, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निरंतर प्रयत्न और दृढ़ विश्वास से कठिनाइयों को जीता जा सकता है और असंभव को भी संभव में परिवर्तित किया जा सकता है। जीतने वाले लोग अपने आप को लक्ष्य के सामने समर्पित कर देते हैं। आप भी लक्ष्य को अपने मस्तिष्क पर हावी हो जाने दीजिए और यदि आपका कोई निश्चित और प्रमुख उद्देश्य नहीं है तो लक्ष्य बनाइए। साथ साथ ये पता लगाइए कि आप इस बदलती हुई दुनिया में इस समय कहां पर हैं। स्वयं को नए अवसरों के लिए तैयार कीजिए, उनका अधिक से अधिक लाभ उठाइए और तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिए कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, अर्थात लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ साथ उसे निश्चित डेट भी दीजिए जिस समय तक आप उसे पूरा कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप अपनी 100% ताकत लगा के उस तरफ बढ़ेंगे और आप 100% कामयाब होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में फिफ्थ जो सूत्र वाक्य है सफलता का वो है प्रतिभाशाली बने। दोस्तों, यदि आप अपने मन में यह विश्वास दृढ़ कर लेते हैं कि आप में भी महान कार्य करने की योग्यता है तो आप निश्चित ही सफल होंगे। संसार की कोई भी बाधा आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय व्यक्ति को कभी भी भटका नहीं सकती।
सकती या रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको सदा स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, फिर देखिए कि इससे कितने अद्भुत परिणाम निकलते हैं। आपको लोगों पर इस बात की धाक जमा देनी चाहिए कि आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और आप प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं। यानी आपके अंदर वो मादा है, वो जज्बा है, वो टैलेंट है जिससे कि आप उस काम को कर सकते हैं। संसार का ये नियम है कि लोग उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी उसको नमस्कार करते हैं। जो व्यक्ति ऊंचा उठ रहा है उसी की सहायता करने को सभी तैयार होते हैं, उसी से मेल मिलाप बढ़ाते हैं, जबकि नीचे गिरने वाले को केवल ठोकरों का ही सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, लोग भला उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इसलिए प्रतिभाशाली और आत्मविश्वासी बनिए जिससे लोग आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में दिए गए 5 सूत्रों से हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो कामयाबी चाहता है। ये इम्पोर्टेंट है, जो कामयाबी चाहता है। बहुत सारे लोग कामयाबी नहीं चाहते तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस मनुष्य में कार्य करने की क्षमता और ईमानदारी है उसे किसी भी दिशा में किसी भी परिस्थिति के सामने मंजिल तय करने से कोई नहीं रोक सकता। वो ऊपर उठेगा, थोड़ी देर के लिए कोई उससे कार्य में बाधित कर सकता है, बाधा डाल सकता है, लेकिन वो अंतोगत्व मंजिल तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, आप इन सूत्र वाक्यों को लिख के अपनी दीवार पर चिपका लीजिए, अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर पर लगा लीजिए, इनको बार बार याद कीजिए कि आप उस पॉइंट पर आप पिछड़ रहे हैं, उस पॉइंट को जबरदस्त तैयार कीजिए और अपने जीवन में कामयाब हो जाइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल पे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, जल्दी आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।